बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू अल-मज़हर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। माय नेम इज़ आदिल अज़ीज़, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सबसे पहले आप तमाम बच्चों को मुबारक हो कि आप तमाम बच्चे पास हो गए हैं और नई क्लासों में शिफ्ट हो गए हैं। क्लास सिक्स में आपको सर अयाज ने कंप्यूटर पढ़ाया था, अब ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर की वही बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की कीबोर्ड, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सेकंड एडिशन था, अब थर्ड एडिशन आ गया है। मेक श्योर कि तमाम बच्चों के पास कीबोर्ड सीरीज का थर्ड एडिशन हो। ये टाइटल पेजेस का देख लीजिए, थर्ड एडिशन के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। हम कुछ रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगी और कुछ काम प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फार्मूला इन एक्सेल 2013 जो है ये एक्सेल का रिलीज वर्जन है। चैप्टर वन पेज नंबर वन, इस बुक में हम पढ़ेंगे सेल एंड रेंज रेफरेंस यूजिंग फार्मूला एरर रिजल्ट और टू सम फीचर ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी। इन एक्सेल फार्मूला आर रिटन डिफरेंटली फ्रॉम हाउ टू राइट देम इन मैथ्स। जैसे मैथ्स में जो फार्मूला होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एन एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन एंड इट कैन कंटेन वैल्यूज सेल रेफरेंस फंक्शंस ऑपरेटर्स। वैल्यू क्या चीज होती है? जो एक्सेल का फार्मूला होता है उसके अंदर वैल्यूज होती है, सेल रेफरेंस होता है, फंक्शंस होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। और एक्सेल का जो फार्मूला है वो हमेशा इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। और मजे की बात ये है कि इसमें कोई स्पेस नहीं होता। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसमें तो स्पेस आ सकता है, लेकिन अदरवाइज दूसरा कोई स्पेस इसमें नहीं होगा। वैल्यूज क्या है? कोई भी न्यूमेरिक नंबर है, कोई भी अल्फाबेट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 987, 36.7, ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, तो ये क्या स्ट्रिंग्स हैं? ये भी वैल्यूज हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल आपने देखा होगा रो एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में ए बी सी डी लिखा हुआ होता है, रोज में 1-3 लिखा हुआ होता है। तो ये सेल रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे C3 है तो C का मतलब हो गया कि ए बी सी तीसरे कॉलम में और 3 का मतलब हो गया तीसरी रो। B2:B5 इसका मतलब होता है B2 से लेके B5 तक। और तीसरा जो रेफरेंस दिया हुआ है वो है A2 से लेके D3 तक, ठीक है। ये इस तरह के मुख्तलिफ रेफरेंस है। और तीसरा चौथा जो दिया हुआ है यहाँ पे के E:4×10, ये भी एक रेफरेंस है। अच्छा जी, फंक्शंस क्या है? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारे फंक्शंस हैं। और ऑपरेटर्स क्या है? आपको पता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर, ग्रेटर देन, ये सारे इसके ऑपरेटर्स हैं। थस अ फार्मूला इन एक्सेल इज सीक्वेंस ऑफ वैल्यू सेल रेफरेंस फंक्शंस एंड ऑल ऑपरेटर्स इन अ सेल और प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वैल्यू। सेल एंड रेंज रेफरेंस, अब ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि द सेल इन अ कॉलम ए एंड रो 1, तो ये क्या है? A1। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक्सेल खोलते हैं, जैसा ये आ रहा है ये है A1, ये आ गया B2, ये आ गया C3, ये आ गया D। तो यहां पे आप देखें आपके पास के सेल रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये A1 से लेके यहां पे आ जाऊं तो ये क्या हो गया? A1:D6, यहां से लेके यहां तक A1:D6, ठीक है। तो यहां पे सारे ये रेफरेंसेस दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। यूजिंग फार्मूला, टू एंटर अ फार्मूला सेलेक्ट अ सेल एंड एंटर अ फार्मूला इन द सेल और द फार्मूला बार। When you finish the entering the cell, click, इस पर राइट पे करना है, प्रेस एंटर
द सेल विल शो द फार्मूला रिजल्ट एंड नॉट बी द फार्मूला इटसेल्फ। जब हमें फार्मूला लिखना होता है तो हम ये है एफ एक्स, ये इसमें हम लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। अब जब हम फार्मूला यहाँ लिखते हैं तो नीचे फार्मूला नहीं आएगा बल्कि वहाँ पे वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ 12, 34 और इन दोनों का मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे करूँगा इज इक्वल टू, सेल रेफरेंस क्या है, B1 प्लस लगाऊंगा और B2। देखें स्टार्ट क्या इज इक्वल टू साइन से B1 प्लस B2 और बीच में कोई स्पेस मैंने नहीं दिया और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे का आंसर आ गया 46। देखें शीट में यहाँ पे 46 आ रहा है लेकिन फार्मूला बार में 46 नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला शो नहीं करेगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब अगर 12 की जगह मैं यहाँ पे 90 कर दूँ तो वैल्यू चेंज होगी 124, लेकिन अगर फार्मूला पे जाएंगे तो फार्मूला वही आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है इन्होंने पेज नंबर 2 पे। आगे चलते हैं पेज नंबर 3। अब यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ है, रोल नंबर है, टैक्स टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और उनका 3 का टोटल किया इन्होंने। और ये जो टोटल किया हुआ है इन्होंने जैसा B2, C2 प्लस D2 इस तरह से किया, जैसा अभी हमने किया था B1, B2 हमने जो है वो हॉरिजॉन्टली किया था, इन्होंने वर्टिकली किया हुआ, वर्टिकली भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंटिंग अगर आपको करना है तो आप सिंपली जाके क्लिक कर सकते हैं और वो पॉइंट हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ना, इसको डिलीट कर देते हैं, रोल नंबर Test 1, Test 2 और Test 3 और यहाँ पे है टोटल, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर 1 कर देता हूँ, Test 1 में 23 मार्क्स, Test 2 में 45, Test 3 में 21। अब इसका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक किया, कंट्रोल की को दबा के रखा, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू साइन और यहां से लेके इसको ड्रैग कर दिया मैंने, ठीक है, और एंटर कर रहे हैं। क्या रहा है, B2 से D2। B2 प्लस C2 प्लस D2 क्या आ गया वर्टिकली आपके पास, इसका आंसर आ गया 44। अब यहाँ पे क्या कोई भी वैल्यू अगर आप चेंज कर दें, जैसे 78 कर दिए Test 1 में तो वहाँ पे, और यहाँ पे नीचे 99 आ रहा है लेकिन ऊपर जो है वो वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने ये किया तो बाय क्लिकिंग भी आप कर सकते हैं, इस फार्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू साइन करेंगे 78 के बाद क्या कर देंगे प्लस, आप C2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लिक कर दें C2 फिर प्लस साइन लगाइए और फिर D2 और इसको एंटर कर दें तो देखिए आपके पास वैल्यू आ गई। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस, व्हेन यू यूज द सेल और रेंज रेफरेंस इन अ फार्मूला यू कैन यूज द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव, द रो एंड कॉलम रेफरेंस कैन बी चेंज व्हेन यू कॉपी द फार्मूला टू अनदर सेल बाय यूजिंग द डिफरेंट सेल एक्सेल क्रिएट रिलेटिव सेल्स रेफरेंस। इन अ फार्मूला फॉर एग्जाम्पल A1, B5, D4 एक्सेट्रा द प्रिंसिपल अबाउट वेट टाइम इन ईयर, ये एक शीट उन्होंने बनाई है। रिलेटिव्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल
अब ये रोल नंबर वन है ना, तो मैं यहाँ रोल नंबर टू के लिए डाल देता हूँ। जब 34 यहाँ पे डाल दिया, 55, 22। अब यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली ये देख रहे छोटा सा एक बॉक्स स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है हैंडल। इसको मैं अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो देखें क्या हुआ, वो फार्मूला खुद ब खुद चेंज हो गया। अब B2 की जगह B3, C2 की जगह C3 और D2 की जगह D3 ऑटोमेटिकली आ गया, सम भी C का है। अगर आपको मजीद कंफर्म करना है तो आप डबल क्लिक कर दें फार्मूले में, तो ये देखें हाईलाइटेड एरिया हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए एब्सोल्यूट, द रो एंड कॉलम्स रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी अ फार्मूला बिकॉज द रेफरेंस इज टू बी फिक्स्ड सेल एड्रेस, इट यूज $2 इन अ रेफरेंस, वन फॉर द कॉलम लेटर एंड द अदर फॉर द रो नंबर फॉर एग्जाम्पल इज दैट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम्स रेफरेंस चेंज नहीं होगा अगर फार्मूला आपने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्कशीट जैसे इन्होंने बनाई हुई, यहाँ पे और फार्मूला भी लिखा हुआ है इन्होंने, हम भी बनाते हैं इसको, इसे इरेज करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा ये देख रहे हैं सेल में आगे की तरफ जा रहा है, अगर सेल प्रॉपर्टी अगर हम इसकी कर दें यहां पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में रैप टैक्स इसको ओके कर रहे हैं, अब ये क्या होगा देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इसी को यहां से फॉर्मेट कितना है 8%, अब यहां पे हम क्या करेंगे इसे इज इक्वल टू, ठीक है इस पर क्लिक किया आपने, और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक साइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफ्ट दबा के 8 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टेरिक साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, से कर रहे हैं हम और अच्छा एक एक कॉलम हमारा रह गया है, यहां पे है इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है।
ये एक साल के लिए है। अब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय इसके साथ और फिर मल्टीप्लाई बाय ईयर, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से इसको निकाला हमने। अब अगर ये 550,000 और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है और ईयर जो है वो भी एक साल का है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट है 10% और ये भी एक साल के लिए, और ये है 12%, ये भी एक साल के लिए। अब आपने क्या करना है कि इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करेंगे तो ये देखो ठीक है। अगर आप अपने बुक में देखें पेज नंबर 4 पे तो इसी तरह से इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद है मिक्स, ये जो हमने क्या एब्सोल्यूट किया था, ठीक है। मिक्स में क्या कह रहा है, द रो एंड कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव व्हाइल द अदर इज एब्सोल्यूट, फॉर एग्जांपल डॉलर A1 और A$1, कंसीडर द वर्कशीट फिगर 1.11। ये देखो आपके पास वर्कशीट जो है ये वाली, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ वेरियस लेंथ एंड ब्रेथ, द फार्मूला इन अ सेंस C3 इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय C$2, ठीक है। कॉपी द फार्मूला टू द सेल रेंज C3 टू F6, C3 से लेके F6 तक का दे दिया उसमें, तो बोथ द सेल रेफरेंस आर मिक्स्ड, द रेफरेंस टू द सेल B3 यूज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर द कॉलम B एंड द रेफरेंस टू द सेल C2 यूज द एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर द रो $2. देयर इज अ वे टू व्यू द फार्मूला कॉपी टू द सेल रेंज C3 से लेके F6 तक, क्लिक द फार्मूला, टैप द फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप, क्लिक द शो फार्मूला बटन, द फार्मूला यूज इन ईच द सेल ऑफ द रेंज विल बी शोन इन द फिगर, ठीक है। से भी करते हैं, अब ये देखें मैं एक जैसे करूं, यहां F इसने क्या किया हुआ, मर्ज किया हुआ। मर्ज कैसे करेंगे, माउस का सेकंड बटन क्लिक कर दें और यहां पे आता है सेल फार्मूला, मर्ज सेल, इसको ओके कर दें, ये सेल मर्ज हो गया। अब इसी तरह से 6 तक इसने इसको किया हुआ है और
अगर चाहें तो यहाँ से भी कर सकते, ठीक है। ये दिया हुआ इसने ब्रेड और ये दिया हुआ इसने लेंथ। अच्छा, अब ये देखा है जो लेंथ लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये डायरेक्शन का दिया हुआ है। अगर आपने इस तरह से रोटेट करना है तो ये रोटेट हो जाएगा। अब इसको सेंट्रलाइज करना है तो यहाँ से आप सेंट्रलाइज कर दें, इसको भी सेंट्रलाइज कर दें, इसका पॉइंट साइज बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसका भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब बी में यहाँ पे लिखा हुआ है वन अगर कंट्रोल की आप दबाएंगे तो देखें एक छोटा सा प्लस साइन आ रहा है, दबा के रखें कहां तक चाहिए 1 2 3 4, पहले माउस का बटन रिलीज करें फिर कंट्रोल की को रिलीज करें, ठीक है। फिर यहां पे है 1 2 3 4, अच्छा जी C3 में क्या फार्मूला हमने करना है, ये है इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट 8 और यहां पे से दिया हुआ है C2, देखें ये अब हो गया आपका मिक्स नंबर। पहले जो मैंने किया था वो क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था उसको, अब ये फिक्स हो गया। कैसे ये वन से हो रहा है, वरना वो क्या हो रहा था, वो नीचे नीचे जा रहा था, 4 4 16 आ गया था। देखें ये 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 1 4, इसको इसने ग्रे में क्या हुआ, यहां से आप इसको अच्छा जी। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर फार्मूला नजर आ जाए तो फार्मूला पे आप जाएं, क्लिक करें फार्मूला ऑडिटिंग, यह है फार्मूला ऑडिटिंग और इसमें क्या कर दें शो फार्मूला। अब देखें आपके पास फार्मूला लिखेगा आगे सारे, अब वैल्यू नहीं आ रही, अब फार्मूला लिखेगा आगे आपके पास, ठीक है। बताइए समझ में, दोबारा बता दो, मेन्यू में जाना है फार्मूला पे, फार्मूला पे जाना है आपके पास ऑडिटिंग फार्मूला और आपने ये करना है, इसको दोबारा क्लिक कर देंगे
तो दोबारा आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर दूसरी क्लिप आपको मैं सेंड करता हूँ, जिसमें आगे जो है सर्कुलर रेफरेंस और आगे की कुछ स्टडीज़ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।